अर्धरात्रि क्लास है, 22 जुलाई 1968। हाँ सरिता, तुम्हारी तरफ एक देखते हैं या दो देखते हैं? भला तुम एक को देखी हो या देखती हो या दो को देखती हो? हाँ जवाब नहीं आता है अभी। तुम भाई तुम बताओ, बाबा बोलते हैं, बाबा जब देखते हैं कि दो देखते हैं तुम्हारी तरफ या एक देखता है, या तुम जो बैठे हो एक को देखते हो या दो को देखते हो? किसी ने कहा हम शिव बाबा को देखते हैं। शिव बाबा को देखते हो, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखते हो? तो किसी ने कहा इसी में तो है ना, है पर देखते नहीं हो। किसी ने कहा ये शिव बाबा को कहेंगे तो हम दो को देखती हूं। बाबा मैं दो को देखती हूं। हाँ कहते हो कि रूहानी बाप तो रूह को देखते हैं, और जिस्मानी बाप तो जिस्म को देखते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे समझते हो कि दो हमको देखते हैं? हम भी दो को देखते हैं। बाप दादा कहते हो ना तो दो हुआ ना। फिर ऐसे सहज प्रश्न का भी मुझते क्यों हो? बाबा तो ऐसे समझते हैं कि हम दो देखते हैं हमेशा। उसमें ताकत जास्ती है। पूछो कि बाप और दादा को देखते हैं या सिर्फ बाप को देखती हो? पूछो बच्ची। किसी ने कहा बाप को देखती है, ये अभी बात करना सीखी है, यहां बैठ करके अब गीत सुनाया। हाँ तो हम तो सुना ही नहीं। अच्छा भला इस टेप में रिकॉर्ड किया है? किसी ने कहा इसका नहीं भरा है, उसका भरा है। इसका क्यों नहीं भरा? किसी ने कहा अभी बोलती है। बच्चे यहां बैठो। किसी बच्ची ने कहा हां अभी तुम तो इसमें भरे, टैप में पड़े। और किसी बच्ची ने गीत गाया। भाई क्या बोला? किसी ने बोला
कितना मीठा। हाँ जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा इसे में बोलो, इसे में सुनो सुनो। बच्ची ने गाया, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव बोला भगवान। किसी ने कहा फिर से बोलो आवाज से। हाँ इसमें टेप रिकॉर्ड में आवाज भरेगी ना बच्ची, जो भरे। तो हाँ अभी जोर से बोलो। बच्ची ने गाया, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। गाया गाते जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गम। तो किसी ने कहा हम जाते हैं अपने गांव, सबको कहते राम राम राम। अब दो बात करते हैं तो दोनों की बातें इकट्ठी कह दी, अब वो तो कह भी नहीं सकेंगे, बाकी देख सकते हैं। ये कह सकते हैं, देखते हैं दोनों, बाप भी देखते हैं और दादा भी देखते हैं। बोलते हैं फिर एक या बाबा या दादा, कौन बोलते हैं, क्योंकि उनका आवाज अलग होता है और उनका आवाज अलग होंगे। बताओ कि एक ही आवाज होगा, आवाज दोनों का एक ही होता है या अलग अलग होता है। किसी ने कहा एक ही होता है, एक ही होता है तो दोनों ही बताते बोलते हैं। किसी ने कहा नहीं, जब शिव बाबा बोलते हैं तो मैं करके बोलते हैं, अब जब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं तो आप करके बोलते हैं। हाँ कि ये बात कोई जानता नहीं है, भले ये जानते हैं कि रथ पर, तो उन्होंने रथ समझा नहीं है, वो तो गाड़ी घोड़े की बात बुद्धि में बैठी हुई है और वो सब बातें उन्होंने बनाई दी हैं। नहीं तो रथ अगर हो भी तो फिर बाप आते हैं इस रथ में, निराकार आते हैं और वो फिर साकार कृष्ण आ गया ना उसमें। भक्ति मार्ग वाले जो समझते हैं वो तो रंग हो गया, तो उसमें कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते हैं दूसरा कुछ। मेरे दो आंख देखते हैं बच्चों के ऊपर और बच्चे भी दो को देखते हैं कि बाप दादा, बाप दादा की दोनों आंखें हैं ना, नजदीक है तभी तो बाबा को
बाबा को याद करना है। तो जो पाप है वो कट जा रहे। तो देखो इतना नजदीक होते भी फिर भी कोई कोई वक्त में हम एक बैठ करके बात करें दूसरे को भूल जाता है, देखते भी हैं तो भी हैं, दोनों देखते हैं, परंतु कोई वक्त में हम अपन को कहते हम देखते हैं बाबा की ठीक कहते, नहीं तो भूल जाते हैं। अगर ये बाबा अगर ये याद रहे बाबा को कि हम शिव और ये दोनों देखते हैं बच्चों को, और सदैव ये बात याद रहे तो बहुत अच्छा, परंतु वो समय अभी नहीं है, पुरुषार्थ करते रहते हैं परंतु भूल जाते हैं। माया भुलाए देती है ना बच्ची, बस यही बात में भुलाती है। ज्ञान जब तुम सुनाते हो तभी कोई पॉइंट्स है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पॉइंट माया ने बुलाई दिया, नहीं ये पॉइंट तुम बोलने वाले ही भूल गए। माया सिर्फ याद की यात्रा में विघ्न डालती है, बोलने करने में विघ्न नहीं डालती। पॉइंट्स तो बहुत ही हैं, ऐसे ही जब भी कोई कोई सुनाते हैं, कोई स्पीच करते हैं, 22 जुलाई 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, भले समझाने वाला होशियार भी हो और समझने वाला भी होशियार करके आवे, तो भी कोई पॉइंट भूल जाएंगे। और ये बात तो अज्ञान काल में भी किसी की हो जाती है कि भूल जाते हैं, तो उस ज्ञान के रास्ते में भी जब देखते हैं बाप तो देखते हैं तो दोनों की नजर जाती है, बाप की भी नजर जाती है, दादा की भी नजर जाती है, वो समझते हैं कि हम दोनों की नजर जाती है, बाप भी देखते हैं दादा भी देखते हैं, तो दोनों की जब मिलती है जोर से तो इसमें ताकत होती है थोड़ी, और बाबा को याद भी पड़ती है। हम दो याद करते हैं तुमको, तो बाबा याद आया ना इन दादा को, और तुम भूलते भी इस बात में हो, सिर्फ इसी बात में भूलते हो, बाकी है भी सिर्फ याद की बात और तो कुछ है नहीं। क्या नहीं है? कठिनाई, कोई आस भी नहीं है,
ऐसे भी नहीं कि ये बाबा सिखलाते हैं, ब्रह्मा बाबा, या ये कोई आशीर्वाद करते हैं, नहीं। सिखलाने के लिए कोई आशीर्वाद थोड़े ही की जाती है। टीचर बैठ करके किसको पढ़ाते हैं तो पढ़ाई को आशीर्वाद थोड़े ही कहा जाएगा ना। कई कई बच्चे शायद ऐसे होंगे जो टीचर को कहेंगे हमको आशीर्वाद करना, 63 जन्म का भक्ति मार्ग बुद्धि में भरा हुआ है ना, कि हमको आशीर्वाद करना तो हम पास हो जाएं। ये बातें तो रंग हैं। यहां ज्ञान मार्ग में कोई आशीर्वाद होता नहीं, यहां तो पढ़ाई है, पुरुषार्थ है। टीचर पढ़ाएगा या आशीर्वाद करेगा, स्टूडेंट पढ़ेगा तो आशीर्वाद ही करे तो फिर पढ़ाने की क्या दरकार है, फिर तो आशीर्वाद से ही पास हो जावे, पढ़ने करने की दरकार ही नहीं। इस बाप को तो गाया हुआ है कि आओ हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, तो पावन बनने की युक्ति बताते। अच्छा अभी आए हैं तो पावन बनने का रास्ता बताओ, तो फिर पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ये तुम याद करो तो याद करते करते पीछे जो गाया जाता है ना, याद करते करते अंतमते सोगते, सारा जीवन जिसे याद करेंगे तो याद कौन आएगा है, जिसको याद करेंगे सारा जीवन वही याद आएगा ना। तो कहेंगे तुम तमो प्रधान हैं, है अब तुम सदगति को पाए करके सतो प्रधान बन जाते हो याद करते करते। तो है सिर्फ ये थोड़ी सी पुरुषार्थ की बात है, आत्मा याद करती है, याद करने का पुरुषार्थ, और इस याद की बात में ही माया विघ्न डालती है। कितना विघ्न पड़ता है, जोर से किसको विघ्न पड़ता है, है इतना जोर से विघ्न पड़ता है कि माया हराए देती है किसको। पर इस बात में एक दो में प्यार बहुत चाहिए बच्चों को, वहां बाहर की दुनिया में भी एक दो में पाप प्यार तो रहता है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि वहां शेर भी होता है, बकरी भी होती है, बकरी होती होगी हाँ, स्वर्ग में बकरी होती होंगी, होती होंगी ना, बताओ बकरी होगी
किसी ने कहा नहीं नहीं होगी। हाँ वहां बकरी कहां से होगी, बकरी होगी तो जहां तहां गंद कर देगी, जहां भी रहेगी वहां गंद करेगी, घर में ही कचरा कर देगी। तो कचरा करने वाली चीज कोई वहां स्वर्ग में होती नहीं है, तो ये फिर कहां का गायन है? है? शेर बकरी इकट्ठे एक घट पानी पीते थे। तो ज्ञान जल की बात है, संगम युग की बात है। इस संगम युग में मनुष्य कोई शेर की तरह पार्ट बजाते हैं, संसार रूपी जंगल है ना, और कोई फिर बकरी का पार्ट बजाती है। तो इतना जो सब जीव जंतु ये बीमारियां सीमारियां है ना बच्ची, है ये तो इस पुरानी दुनिया की बात है जहां दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाती रहती है, और यहां संगम युग में भी शूटिंग होती रहती है, है? संगम युग में भी पुरानी दुनिया नई दुनिया दोनों की शूटिंग होती है कि नहीं होती है? होती है। तो जितनी दुनिया पतित होती जाती है, ये पतित पतित ऐसी ऐसी छी चीजें आती रहती है, ढेर की ढेर छी योनियां आती रहती हैं। अच्छा बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। मीठी मीठी रूहानी वृक्षों पति रूहानी बाप की नमस्ते ओम शांति।